baby. What is this? वो अंदर रैक में रख देना। ये अंकल तो उस दिन एकदम ठीक थे, फिर आज ये सब क्या है? प्रीति क्या देख रही है? ये बुड्ढा पागल नहीं है? तो? उसे पागल मैंने बनाया है। मतलब? मतलब उस दिन सबके सामने मेरा इंसल्ट किया था बुड्ढे ने। हुआ क्या था? मैं मार्केट गया था। खामखा बुड्ढा हीरो बनने निकला था, मुझसे रिक्शा साफ करवाई उसने। विकी, गाड़ी रोको। गाड़ी रोको विकी। क्यों, क्या हुआ? ये क्या किया विकी तुमने? मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो। Come on, relax, baby. इस बुड्ढे के लिए तुम Shut up, विकी. Please. और उन्हें बार बार बुड्ढा बुलाना बंद करो। क्यों? तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं? नहीं, पर ये एक बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, सोशल वर्कर है, जबरदस्ती लोगों के मामले में टांग अड़ाते हैं। लेकिन उनकी इसी आदत ने एक बार मुझे भी बचाया। तुम्हें? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ विकी, उस दिन जॉगिंग के बाद जब मैं स्टॉल पे पानी लेने गई, तभी वहाँ पे एक बॉटल पानी दीजिए प्लीज। थोड़ा पानी हमें भी पिला दो। जल्दी कीजिए प्लीज। ओ मिस इंडिया, अरे हमारी सीटी का जवाब सीटी से ना सही, कम से कम स्माइल से तो दो। देखी ना, ये लड़की तुम्हारी सिटी का जवाब जरूर देगी, लेकिन तुम्हारे घर आकर तुम्हारे परिवार के सामने देगी। ओ चाचा, जाओ ना, काय को हमारी इज्जत का भाजीपाला कर रहे? अच्छा, अपनी इज्जत का इतना ख्याल है और इस लड़की की इज्जत का कोई ख्याल नहीं, उसे छेड़ रहे हो है? अरे इस लड़की के दिल पे क्या बीत रही होगी ये सोचा है कभी? अगर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होता तो तुम्हें कैसा लगता है? उसे कोई छेड़ता तो कैसा लगता? अच्छा लगता नहीं ना? तो फिर अरे तुम्हारी ऐसी दो पल की हरकत की वजह से इन लड़कियों को कितनी तकलीफ होती है कभी सोचा है? सॉरी अंकल, सॉरी मैडम, चलिए। थैंक यू सो मच अंकल, आज आपने सही टाइम पर आकर मेरी मदद करी, थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन हाँ बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, तुम लड़कियों में इतनी ताकत जरूर होनी चाहिए कि अपनी रक्षा खुद कर सको, हैं? तो ये आवारे लड़के तुम्हें कभी छेड़ने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। और तुमने ऐसे भले इंसान के साथ इतना बुरा सलूक किया। भले ही तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पर आई एम सॉरी टू से, तुम्हारे पास समझदारी और संस्कारों की बहुत कमी है। चंपक अंकल ने तुम्हारी गलती पर तुम्हें टोका और तुम्हें सबक सिखाया, तो क्या गलत किया? और तुमने गुस्से में आकर उनसे बदला लेने के लिए ऐसी घटिया हरकत की। अगर कल को कोई तुम्हारे या मेरे डैड के ऐसे पोस्टर्स छापे तो okay, I'm sorry. चलो, let's forget it, yeah. Forget it? Can you imagine उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी? विकी कार घुमा, विकी यू टर्न लो। एक मिनट, सॉरी सॉरी, एक मिनट। अरे भाई साहब, ये इनको आपने देखा है यहाँ कहीं? नहीं देखा है। जान से देखो ना प्लीज। कहीं नहीं देखा। अरे भाई साहब, मैं बस में आ जाऊँ। भाई साहब, इनको आपने देखा है कहीं? एक मिनट, हाँ देखा है। हाँ मैं पहुँच रहा हूँ, बस आ ही जाऊँगा, टाइम से आ जाऊँगा। भाई साहब का कहाँ देखा आपने? एक मिनट है, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ अभी डेढ़ दो घंटे पहले देखा, लोग इन्हें पागल कहकर इनाम के लिए पकड़ रहे थे और ये लोगों को मारने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। बेचारे बापू जी किस हालत में होंगे, कहाँ होंगे? अरे बनकर इसको
कहाँ दया बोल? हाँ टप्पू के पापा, बापूजी मिले? नहीं मिले दया। क्या? बापूजी अभी तक नहीं मिले? लेकिन तुझे पता है, अरे वो हेलो, हाँ 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 पहुँच रहा हूँ पहुँच रहा हूँ। हाँ रखो फोन। पैसा, आपने इनको कहीं देखा है? यही ना, और इनको तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। इन पे 20,000 का इनाम है ना, तुम भी ढूंढो मैं भी ढूंढता हूँ, आधा कर लेंगे। ओए क्या बकवास कर रहा है तू? मैं अभी तुझको करूँ मैं आधा आधा, चल निकल यहाँ से। जेठा भरा, मैं उधर देखता हूँ, तुम इधर देखो। भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं नहीं भाई साहब, इनको नहीं देखा है। भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं। विकी, देख रहे हो ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे पर उस दिन उस बुड चाचा जी की वजह से मैं भी तो परेशान हुआ था ना। नहीं विकी, तुम परेशान हुए खुद की गलती की वजह से। जाओ और जाकर उन्हें सच बता दो। प्रीति, ये तुम क्या कह रही हो? देखो विकी, मैं तुम्हें तुम्हारे गुस्से में हुए गलती के लिए माफ कर सकती हूँ, पर अगर तुम्हें उसका पश्चाताप नहीं करना है ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। प्लीज। उपाय साहब, वो आपने इनको कहीं देखा है? अरे हाँ, आज सुबह ये भाग रहे थे और सभी को पत्थर से डरा रहे थे। अरे मेरे बापूजी की ऐसी हालत उस लड़के की वजह से हुई है। एक बार वो लड़का मेरे हाथ में आ गया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ओए जेठा परा, वो पोस्टर छापने वाला और पैम्फलेट छापने वाला अगर मेरे हाथ से चल गया ना, तो मैं इनका नाक और नक्शा दोनों भिगा दूंगा। भाई भाई, अरे छोड़ी 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 जेठालाल भाई, कंट्रोल करो। अभी गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, अभी हमें शांत रह के चाचा जी को ढूंढना है। भाई मैं तो कहता हूँ कि पुलिस स्टेशन चल के कंप्लेन करते हैं, पुलिस का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, वो चाचा जी और पोस्टर लगाने वाले लड़के दोनों को ढूंढ लेंगे। हाँ दो चार जगह और देख लेते, अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो पुलिस स्टेशन चलते हैं कंप्लेन करने। ठीक है, आओ जेठा, आओ। चल छोड़ी, इधर देख। विकी, तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? अरे तुमने उनका गुस्सा देखा, अगर मैं सच बता देता ना तो चबाई हुए पान जैसी हालत कर देते, और अब तो पुलिस कंप्लेन करने गए हैं। हे भगवान, क्या होगा? क्या होगा नहीं, क्या हो रहा होगा हुँ? अंकल के साथ पता नहीं क्या हो रहा होगा। ओ हीरो, गाड़ी बाद में देखना, पहले एक चाय लेके आ। भाई गाड़ी में से आवाज आ रही है। हाँ वो सर्विस नहीं कराया ना इसलिए। नहीं नहीं, डिग्गी में से आवाज आ रही है।
डर मत, इंसान ही हूँ मैं। इंसान काका, आप मेरी गाड़ी की डिक्की में कहाँ से आए? और नेहरू रोड से। लेकिन क्यों? अरे कुछ लोग मेरे पीछे पड़े थे तो उनसे बचने के लिए मैं तेरी गाड़ी की डिक्की में छिप गया। और भाई तू गाड़ी कैसे चला रहा था? अरे कब से मैं अंदर से आवाज दे रहा था खोलो खोलो खोलो, तू सुन ही नहीं रहा था। और सुनाई भी कहाँ से देगा तुझको? वो अंदर वो मुझे कितना जोर से बज रहा था, ढकर 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 ढकर। सॉरी सॉरी वाली, चल अब मुझे गोकुलधाम छोड़ दे। गांधीधाम? अरे गांधीधाम नहीं भाई, गोकुलधाम। वो कहाँ है? पाउडर गली, फिल्म सिटी। वो मुझे नहीं मालूम। मुंबई में रहकर तुझे फिल्म सिटी नहीं पता? ओ काका, ये मुंबई नहीं है, वलसाड़ है। वलसाड़ वो देखो। इतनी देर में मुंबई से वलसाड़ आ गए? ए भाई तू गाड़ी चला रहा था कि हवाई जहाज? सॉरी सॉरी भाई। लेकिन काका, वो लोग आपके पीछे क्यों पड़े थे? वो लोग मुझे पागल समझ रहे थे। पागल मतलब? अरे एक नादान लड़के ने मेरे फोटो के साथ जगह जगह पोस्टर चिपका दिए और उसमें लिख दिया कि मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो जो भी मुझे सही सलामत घर पे पहुंचा देगा उसको 20,000 रुपए मिलेंगे। अब तू ही बता, मैं क्या तुझको पागल लगता हूँ? पागल लगता हूँ? ये बुड्ढा पागल ही लगता है। चल चल, मुझे जल्दी से गोकुलधाम छोड़ दे, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इसको टैक्सी में ले जाना, खतरे से खाली नहीं। अरे भाई चल, डर मत, तेरा पूरा भाड़ा दिलवा दूंगा मैं। चल। मैं क्या बोलता हूँ काका, थोड़ा चाय वाय पी लेते फिर चलते। नहीं नहीं, चाय नहीं पीनी है। एक काम करता हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अरे भाई जरा एक गिलास पानी लेना। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? रुक जा। अरे डर मत, डर मत। अरे रुक जा। अरे भाई ए! अरे मैं पागल नहीं हूँ, डर मत, मैं पागल नहीं हूँ। अरे मैं पागल नहीं हूँ, अरे मैं पागल नहीं हूँ। क्या हुआ चाचा जी? हाँ क्या हुआ चाचा जी? अरे कुछ नहीं, मुझे मुंबई जाना है और वो बाबू चक मुझे छोड़ के भाग गया। चाचा जी आपको फिल्म सिटी, पाउडर गली, गोकुलधाम सोसाइटी जाना है ना? हाँ चलिए चाचा जी, हम आपको छोड़ देते हैं। अच्छा तुम लोग छोड़ दोगे मुझे? हाँ हाँ चलिए चलिए छोड़ देंगे, चलिए मुझे छोड़ दोगे? हाँ चलो चलो। हाँ चलिए 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 चलिए। चाचा जी चलिए। नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। अरे मैं कहीं पागल नहीं हूँ। नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं पागल नहीं हूँ। नहीं नहीं अरे मैं नहीं आऊंगा, मैं पागल नहीं हूँ। शहर की जानी पहचानी सड़क जिसपे आप रोज चलते हैं और अचानक सामने कोई गाड़ी नहीं और शेर आ जाए तो कैसा झटका लगेगा? मेरे ख्याल से उससे कहीं ज्यादा झटका इस वक्त चंपक चाचा को लगा है। पांव में स्प्रिंग लग गई हो, ऐसी उनकी गति हो गई है। भाई काली अंधेरी रात में आप कहीं जा रहे हो और काला कुत्ता पीछे पड़ जाए, बिल्कुल वैसी ही किस्मत मुझे लगता है इस वक्त हम गोकुलधाम निवासियों की हो गई है। जब कोई व्यक्ति बदला लेता है किसी से तो आंखों में नफरत की ऐसी पट्टी बन जाती है कि अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता। उस वक्त वो सिर्फ जहर उगलता है और लगता है इस जहर की चपेट में हम पूरे गोकुलधाम के निवासी आ गए हैं। अब क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि चंपक चाचा कहाँ है? और ये दो वार्ड बॉय अगर चंपक चाचा को कहीं पकड़ के ले गए तो ये पोस्ट वाला लड़का हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा?
हमें लगता है इस वक्त ऊपर वाला भी मजाक के मूड में, लेकिन आपका हंसी मजाक का मूड हमेशा बना रहे ये हम हमेशा कोशिश करते हैं, इसलिए देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।